और यहाँ पे वेंडिंग ट्रेडर आया हुआ है भाई। सबसे पहले देखते हैं क्या लेके आया है लूट। तो गाइस ये बिल्कुल कचरा लेके आया है सबसे पहले तो। इससे बड़ा कचरे वाला और कोई नहीं होगा यहाँ पे। इसके लामबस कहाँ हैं, दिख नहीं रहे मुझे। इनको मैं इसको मारता हूँ, शायद से इसके लामबस मिल जाएंगे मुझे। लीड मुझे मिल गई, लीड ही चाहिए थी मुझे मेन। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं आ चुका माइनक्राफ्ट का कोई नया एपिसोड लेके। तो गाइस पिछले वीडियो में हम इस फार्म में बोल रहा गाइस, मैं इस गांव में आए थे, मतलब इस विलेज में आए थे। तो गाइस मैंने अपना जो है यहां पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया था। और गाइस साथ में मैंने अपना जो जितना भी सामान था, जैसे कि कुछ डायमंड थे और कुछ वहाँ से ऑब्सीडियन रखे थे जो चेस्ट में, वो सब मैंने ऊपर ला के रख लिया हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में हमें अपने लिए पूरा एक आयरन का आर्मर चाहिए। तो मेरे पास गाइस चेस्ट प्लेट और हेलमेट तो है, लेगिंग और बूट बचे हैं, और आयरन के टूल्स भी चाहिए गाइस हमें। और साथ में गाइस मुझे एक छोटा सा पहले फार्म भी बनाना है अपने लिए। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं उस चीज़ के लिए तैयारी करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जितना भी मेरे पास सामान था वो सब मैंने इसमें ला के रख दिया हूँ। मेरे पास कुछ सेपलिंग भी हो गई है, क्योंकि मैंने वहाँ का जो गाइस ट्री जो मैंने पिछली वीडियो में काटा था, तो गाइस मैंने उससे वुड पूरी ले लिया हूँ। तो मेरे पास 35 वुड हो चुकी है। और कुछ अपने पास ये वूल है, मैंने गाइस थोड़ा फूड भी इकट्ठा किया था, क्योंकि फूड के लिए मेरे पास यही है। और मैंने थोड़े से सिप्स और पिक को मार के फूड इकट्ठा किया हूँ। तो सबसे पहले गाइस मुझे थोड़ा सा और क्या बोलते हैं आयरन चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी एक वाटर बकेट भी नहीं है, और साथ में गाइस मेरे पास अभी टूल्स भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ मैं किस उसमें जाऊँगा। तो मैंने इधर कहीं केव देखा था, तो मैं पहले इस केव में जाके देखूँ कि नहीं देखूँ। शायद से मैं इस केव में गया हूँ, नहीं नीचे तक के नहीं गया था मैं, तो आई थिंक मेरे को इसमें नीचे नहीं जानी चाहिए। मैं पहले दूसरी केव देख लेता हूँ, उसमें अगर मैं इजीली जा पाऊँगा तो, क्योंकि मैं जब सीप को मार रहा था तो गाइस यहाँ पे मैंने देखा था कि केव है। आई थिंक यहीं कहीं देखा था, और ये एक्सपी अभी तक की पड़ी हुई है जो मैंने उनको मारा था। तो आई थिंक ये रही वो, तो यही होनी चाहिए आई थिंक, ये नीचे तक को जानी चाहिए। तो चले गए जब मैं चलता हूँ यहाँ से, मेरे पास फूड भी है और थोड़े से टॉर्च बना लेता हूँ मैं अपने साथ रखने के लिए। एक यहाँ पे भी लगा देता हूँ, और पहला आयरन मुझे मिल भी चुका है यहाँ पे, तो मैं इसको ले लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आयरन था, और कोल भी गाइस मुझे लेना है यहाँ से, तो मैं कोल भी ले लूँगा। तो पहले मैं यहाँ से वो नीचे चलता हूँ। बस ये केव थोड़ी और गहरी होनी चाहिए जिससे मुझे बहुत सारा आयरन मिल सके। तो मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ गाइस, मुझे जहाँ जहाँ आयरन मिलेगा मैं जल्दी जल्दी कलेक्ट करता हूँ। अब तो गाइस मुझे थोड़ा सा और आयरन दिखा है यहाँ पे, तो मैं इसको भी जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं, 7 उसके लिए, 3 वाटर बकेट के लिए और अपने टूल्स के लिए। तो आई थिंक मेरे पास 24-25 भी आयरन हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा। तो मैं उतना ही कर लेता हूँ जल्दी से, और कहीं भी नहीं है यहाँ पे, इधर भी नहीं है। और मेरे पास टॉर्च भी ख़त्म हो गई, तो मैं और टॉर्च बना लेता हूँ। मेरे पास अभी कोल है बहुत सारा। तो गाइस इस केव में बहुत सारा आयरन मुझे मिल रहा है, पता नहीं अभी तक कितने हो चुके हैं, मैं अभी देख लेता हूँ। पहले इनको भी सब कलेक्ट कर लेता हूँ। तो आई थिंक गाइस मेरे पास 28 तो हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और अंदर जाके देखता हूँ, यहाँ पे शायद से और भी होंगे आयरन, तो मैं उनको भी ले लेता हूँ। यहाँ पर मुझे 2 आयरन और दिख गए हैं, तो पहले मैं टॉर्च लगा दी इधर, तो मैं जल्दी से इनको भी ले लेता हूँ। तो गाइस सही में रियली यहाँ पे बहुत सारा आयरन मुझे ऊपर ही ऊपर मिल रहा है, क्योंकि मैं 14 के लेवल पे ही हूँ। मेरी केव बहुत अच्छी है। तो मैं काम करता हूँ, मेरा आयरन का काम हो गया इतना ही, तो बस मैं इतना आयरन लेके चला। मैं यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता हूँ बस, और मेरे को गाइस जल्दी से कोल भी इकट्ठा करना है, और मैं जल्दी से कोल इकट्ठा करके चलता हूँ। और फिर इनको मेल्ट भी करना है मुझे, अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, तो मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ गाइस अब।
तो हेलो गाइस, फाइनली दिन हो चुका है और यहाँ पे कुछ स्केलेटन भी आ चुके हैं। पीछे से क्रीपर भी आ रहा है। और ये फाइनली ब्लास्ट हो गया। मैं सोचा था इसको ब्लास्ट ना करूँ, तो मैं यहाँ से डर्ट ले लेता हूँ। मैं बाद में इसको फिलअप कर दूँगा पूरा। एक और क्रीपर है यहाँ पे, मैं इसको भी जल्दी से गाइस मार देता हूँ पहले। तो फाइनली गाइस मैंने इस क्रीपर को तो मार दिया हूँ। और यहाँ पे क्रीपर बहुत सारे हैं, एक नहीं है, उनको अभी इग्नोर मार देता हूँ मैं। तो सबसे पहले गाइस अपने लिए मुझे फार्म बनाना है। और यहाँ पे वेंडिंग ट्रेडर आया हुआ है भाई। सबसे पहले देखते हैं क्या लेके आया लूट। तो गाइस ये बिल्कुल कचरा लेके आया सबसे पहले तो। इससे बड़ा कचरे वाला और कोई नहीं होगा यहाँ पे। इसके लैम्बर्स कहाँ हैं, दिख नहीं रहे मुझे इनको। मैं इसको मारता हूँ, शायद से इसके लैम्बर्स मिल जाएंगे मुझे। लीड मुझे मिल गई, लीड ही चाहिए थी मुझे मेन। तो मैं इनके जल्दी जल्दी मारता हूँ गाइस। कहाँ पे इसके लैम्बर्स? तो गाइस आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस लांबा को कैसे देखूं गाइस? क्योंकि मेरे जो वन ब्लॉक की जो मैं सीरीज स्टार्ट किया था उसमें भी गाइस मुझे लांबा दिख नहीं रहे थे। आई थिंक मेरे पेक के कारण हो सकता है, जो मैं इसमें एक क्या बोलते उसको अपना ऑप्टिफाइन लगाया हूं गाइस, उसके कारण तो नहीं है ऐसा। तो गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला था। मैंने एक क्या बोलते हॉर्स को यहाँ पर टैम कर लिया था, पर मेरे पास लीड नहीं थी। तो आई थिंक मैं उसको कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ। तो मैंने उसको यहाँ पे ऐसा पैक करके छोड़ दिया था अभी। तो मैं सबसे पहले अब इसी को बाहर निकालूंगा और मैं इसको इस वहाँ ले आके बांध दूंगा सबसे पहले। तो चल बाहर जा, बाहर जा, ये ऐसे बाहर नहीं आएगा। तो मैं इसको जल्दी से गाइस बाहर निकाल लेता हूँ पहले। तो ये मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था, ब्राउन कलर का है पूरा। तो मैं इसको जल्दी से ले आके अभी सोच रहा हूँ मैं यहाँ बांध देता हूँ इसको, यहाँ पे बंदा रहेगा। और साथ में गाइस मैंने बहुत सारे विलेजरों को उनके घरों में कैद करके रखा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कहाँ रखा हूँ मैंने, दो विलेजर को तो यहाँ पे कैद कर लिया हूँ मैंने। वो खुद ही जाके गिर गए थे तो मैंने उनको निकाला ही नहीं। एक विलेजर को यहाँ रखा हूँ और नीचे भी गाइस दो विलेजर को उधर नीचे कैद करके रखा हूँ, जो नीचे दो घर थे। तो मैं यहाँ पर अपना पूरा आयरन रख देता हूँ पहले। इसको चार हिस्सों में बांट देता हूँ मैं। तो मैं इसको जल्दी से गाइस पूरे फर्नेस में डाल के रख देता हूँ आयरनों को, कि जल्दी जल्दी पूरा मेल्ट हो जाएंगे। इतनी देर में गाइस मैं अपना फार्म बना लूँगा। तो गाइस अब मुझे अपना फार्म बनाने के लिए एक अच्छी सी जगह चाहिए। तो मैंने जो सोच के रखा था गाइस, मैं अपना फार्म इस जगह पर बनाने वाला हूँ। मुझे सिर्फ ये ऊपर की लेयर को पूरे खाली कर देना है। तो मैं इसको जल्दी से खाली कर देता हूँ और साथ में गाइस मैं वहाँ से पूरी जो फेंसेज जो उन्हें लगा के रखे हैं उनको निकाल के ले आऊँगा यहाँ पे उसको कवर करने के लिए। तो मैं इसको जल्दी से गाइस जगह को प्लान करता हूँ और वो फेंसेस भी काट के ले आता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली गाइस मैं बहुत सारी वहाँ से अपनी ऑक फेंस भी लेके आ चुका हूँ और अब मुझे यहाँ पे गाइस अपना फार्म बनाना स्टार्ट करना है। तो जो मैंने सोच के रखा हूँ गाइस मैं इस डायरेक्शन से इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ से गाइस 7-7 ब्लॉक दोनों साइड छोड़ देता हूँ मैं। आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मेरे को इसको यहाँ से कवर करना है। तो मैं इसको यहाँ से पूरा कवर कर देता हूँ ऐसा। तो ये शायद से 7 ब्लॉक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मेरे को लग रहा है। तो मैं काम करता हूँ इसको 4 ब्लॉक पे छोड़ देता हूँ मैं। तो 1, 2, 3, 4। तो मैं इसको यहाँ गड्ढा कर देता हूँ अभी। 1, 2, 3। तो मेरे पास डर्ट कहाँ है, तो मेरे को फिर से गिनना पड़ेगा। 1, 2, 3। तो मुझे इसको यहाँ से कवर करना है और इधर से भी 1, 2, 3। तो फाइनली गाइज मैंने इसको इतना पूरा बना लिया हूँ। इतने बड़े में गाइज मैं फार्मिंग करूँगा। तो मैं जल्दी से गाइज अपना आयरन लेके जाता हूँ जिससे मैं वाटर बकेट बना पाऊँ और साथ में गाइज अपने पूरे टूल्स भी बना पाऊँ। तो मैं जल्दी से लेके आता हूँ
और मुझे अभी गाइस सीड भी इकट्ठा करना है क्योंकि मेरे पास सीड बहुत कम होंगे। तीन ही सीड हैं आई थिंक, वो भी इनको मारते मारते मिल गए थे मुझे। तो फाइनली गाइस मैं आयरन तो लेके आ चुका हूँ, मैं इससे एक लेगिंग बना लेता हूँ जो मुझे अभी चाहिए थी। तो एक लेगिंग बन जाएगी मेरी और एक बूट बनाने थे मुझे, तो ये बूट भी बन गए। और बाकी का आयरन का गाइस मैं अब अपने लिए टूल्स बनाऊँगा। तो मुझे बनाना है एक और पिकेक्स जो मेरी टूट चुकी है, और एक वाटर बकेट बनानी है मुझे, और साथ में मुझे गाइस एक एक्स भी बना लेता हूँ मैं। मेरे पास वुड नहीं है, स्टिक नहीं है, मतलब मैं वुड बना स्टिक बना लेता हूँ पहले। तो एक बनाना है मुझे अपने लिए एक्स, और एक बनाना है अपने लिए मुझे सॉट। तो फाइनली गाइस सबसे पहले मैं सो के जाता हूँ, नहीं तो अभी बहुत सारे जोम्बीज आ जाएंगे यहाँ पे। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि मुझे मैंने अपने आप को पूरा आयरन में कन्वर्ट कर लिया हूँ, और आयरन के पूरे टूल्स भी आ चुके हैं मेरे पास। तो अब मुझे गाइस जल्दी से अपना फार्म को बनाना स्टार्ट करना है। तो मैं गाइस इसमें जल्दी से अब पहले वाटर डाल देता हूँ, और साथ में गाइस बहुत सारे सीड इकट्ठा करता हूँ यहाँ से। इसको पूरा भर के मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी से अब। तो हेलो गाइस, फाइनली मैंने गाइस यहाँ पे पूरी सीड जो है लगा दिया हूँ, और अब गाइस मेरे को इसको सिर्फ ग्रो होने का वेट करना है। और ग्रो होने के बाद मैं इसको काट सकता हूँ गाइस इजीली, और इससे ब्रेड बना सकता हूँ। और गाइस मुझे इस फार्म की ज़रूरत भी थी क्योंकि मुझे अपने विलेजरों की जो जनसंख्या उनको भी बढ़ाना है, क्योंकि तब जाके मुझे गाइस अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी विलेजरों से। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में।